This news sponsored by Cummins College of Engineering for Women. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने राजघाट पर पुष्पांजलि अर्पित की और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में एक दूसरे के देशों में मंत्रियों और प्रतिनिधियों से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि 29 जून से देश भर के श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन कर सकेंगे। गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेसवे के पास दौलताबाद औद्योगिक क्षेत्र में संचालित एक फैक्ट्री में ब्लास्ट से 3 लोगों की मौत हो गई है और कई घायल हुए हैं। देवस्नान पूर्णिमा के अवसर पर ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री और डीएम के नेता सुब्रमण्यम ने सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कलाकुरिचि जहरीली शराब त्रासदी पीड़ितों से मुलाकात की। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुए का कहना है कि महाराष्ट्र कोर कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में हमने राज्य में हाल ही में हुए चुनाव का विश्लेषण किया। 21 जून को रात करीब 12:45 बजे ठाणे के एक फुटबॉल मैदान में खेल रहे 17 बच्चों में से 6 बच्चे मैदान में शेड गिरने से घायल हो गए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ट्वीट किया और कहा कि तुर्की में भारत के राजदूत वीरेंद्र पॉल के असामयिक निधन पर हमें गहरा दुख हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट सत्र से पहले आज राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक करेगी। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक होगी। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद यह पहली कैबिनेट मीटिंग है। बिहार में 26 से 28 जून के बीच होने वाली द्वितीय सक्षमता परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से बीते शुक्रवार 21 जून को यह जानकारी दी गई है। थाने में कई दिनों से हो रही बारिश के कारण लोगों को अब परेशानी हो रही है। बारिश के कारण कई जगह पेड़ गिर गए हैं और जल जमाव से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग मामले में पुलिस को आरोपियों के पास से ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली है। ये रिकॉर्डिंग अनमोल बिश्नोई की बताई जा रही है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि यह तीसरी परीक्षा है जिसे एनटीए ने स्थगित किया है। शिक्षा मंत्री ने कहा था जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उस दावे का क्या हुआ है? शिवसेना यूपीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे वली विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। अब इनको हराने के लिए राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। एकनाथ खड़से की बहू और बीजेपी नेता रक्षा खड़से में लोकसभा चुनाव में रावेर लोकसभा सीट से तीसरी बार जीत हासिल की है। उन्हें केंद्र सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया है। कांग्रेस के आरोप का जवाब देते हुए बीजेपी ने कहा कि देखी गई दरारें अटल सेतु पर नहीं बल्कि पुल की ओर जाने वाली सड़क पर है। अटल सेतु को बदनाम करना बंद करें। भारतीय टीम के हेड कोच बनने के सवाल पर गौतम गंभीर ने कहा कि इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है। अभी मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि मैं यहां आकर खुश हूं। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने बीते वित्त वर्ष के लिए केंद्र सरकार के खजाने में रिकॉर्ड डिविडेंड जमा करा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यह डिविडेंड भुगतान लगभग 7,000 करोड़ रुपए का है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए NBC News। नमस्कार।